थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे कि जो कैरेक्टर आप इस बार निभा रहे हो, किस तरह कैरेक्टर में काफी चला लेकर आप आ रहे हैं? आई थिंक दिस फिल्म जो है इट्स अ न्यू फिल्म इन इटसेल्फ बिकॉज़ इट्स अबाउट Papa on Rent, which is an extremely new concept. What I'm doing new, I think I've never played a mother on screen. I've never played a single mother. So that's something that I'm doing new on in this film. Sir, aap bataiye apne character ke bare mein. Father on Rent. Kamal hai. मतलब बहुत मस्ती वाली फिल्म है, जैसी मस्ती वाली स्क्रिप्ट है, जैसा मस्ती वाला ट्रेलर दिख रहा है वैसी फिल्म है। और हम लोगों ने काफ़ी फन किया है बनाते समय, और शायद वही ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ फन। ये फैमिली एंटरटेनर है और बहुत समय बाद आई है, तो एक लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो किस तरीके कॉन्सेप्ट आप इस बार लेकर आए हैं? मतलब मैं तो नहीं, ये आलिया जी हैं जिन्होंने लिखी है और डायरेक्ट की है। और इनका इनके दिमाग में ये कैसे आया कि एक बच्चा जो है डिमांड करता है कि मुझे रेंट पे एक फादर चाहिए, तो उसी के चक्कर में हम दोनों फंसे और फिर हम लोगों ने मिलके कुछ कुछ किया और ये फिल्म अच्छी बन गई। बाकी ये बताएंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, बताना क्या है, इन्होंने बता दिया आपको। ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, फादर रेंट पे चीज लगती है, यूनिक कॉन्सेप्ट कहां से आपके दिमाग में आया फादर रेंट? देखिए ऐसा है कि एज अ राइटर नो, ये आइडियाज आपको कुछ हद तक अनुभव से ही आता है। जो जेन अल्फा है वो कुछ भी मांग सकता है, वो उस वहाँ से इंस्पिरेशन आया था कि जो स्वाइप लेफ्ट राइट वाला जो जनरेशन है वो कैन आस्क फॉर अ फादर ऑन रेंट। बट यस, जो स्टोरी है वो बियॉन्ड जो आप ट्रेलर देख रहे हैं, एक्चुअली ट्रेलर से तो फिल्म शुरू होती है, उसके बाद इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ मैन वुमन, जो आजकल अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, विच इज़ बियॉन्ड फ्रेंडशिप, हस्बैंड वाइफ, इट इज़ अबाउट दैट एंड पेरेंटिंग। रिव्यू रितेश को छोड़ के एनीवन एल्स कैन बी योर फ्रेंड। He's a star. No, I think Zidane is a star. I think he's a really, really special and gifted child. बहुत सही बच्चा है भाई वो, उसके चक्कर में मैंने भी थोड़ी एक्टिंग सीखी है। थैंक यू सो मच। सर क्या बताना चाहेंगे ट्रायल पीरियड इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसा लगा आपको? जबरदस्त। पहले अभी आलिया से भी कह रहा था पिक्चर तो मैं बनाने वाला था, तो मेरे से छीन ली इन्होंने पिक्चर। आज से 5 साल पहले मुझे सब्जेक्ट सुनाया था और मैंने अपने तरफ से कास्टिंग भी कर ली थी, सब्जेक्ट भी सुना दिया था, हीरो भी फाइनल था, हीरोइन भी फाइनल थी, बट मेरे ख्याल में जो होता है अच्छे के लिए होता है। देव गॉट अ बेटर प्रोड्यूसर, जियो स्टूडियो कर रही है प्रोड्यूस, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ज़बरदस्त सर, देखो पहले भी इस कॉन्सेप्ट का एक वर्जन बना है जहाँ पे लड़की मजबूरी में मंचली में संजीव कुमार को ले के आती है हस्बैंड बना के, पर यहाँ पे एक माँ लेके आती है अपने बच्चों बच्चे के लिए बाप। सो दिस इज वेरी मच टुडे एंड इट हैज़ अ लॉट मोर इमोशन। बच्चे के लिए मतलब माँ को क्या क्या करना पड़ता है, टू दी एक्सटेंट कि भाड़े का हस्बैंड भी लेना पड़ता है। मंचली आपको याद है ना, उसमें देखी थी पिक्चर, नहीं आप पैदा नहीं होते। तो बट दिस हैज गॉट मोर इमोशनल क्वेश्चन इन द फिल्म एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। The trailer looks good and she's got a bunch of good actors, Manav, Janelia, and the kid also looked very good, and of course Gajraj. So it's a good combination, good star cast, good setup, and I'm sure it will be well appreciated. I'm very sure. वो भी फैमिली ऑडियंस जा रही है देखने के लिए, तो ये कह सकता हूँ कि सत्य प्रेम जो है वो समीर जो हमारे डायरेक्टर हैं समीर विद्वांस, उन्होंने बड़े अच्छे से प्रूव किया है कि अगर आपकी कहानी अच्छी हो, कंटेंट स्टोरी लाइन अच्छी हो, तो उसके अंदर आपको ऑडियंस फैमिली ऑडियंस आना पसंद करती है थिएटर के अंदर। और उसी तरह से ये वाली जो फिल्म भी है, इसका ट्रायल पीरियड का जो ट्रेलर से लेकर अभी जब स्क्रीनिंग भी हुई है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसमें। अगेन वो फैमिली वाला जो एक फील है ना, मैं जो हमारी डायरेक्टर हैं आलिया सेन, उनसे उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं, क्योंकि सही परांज पे जो चश्मे बदूर और कथा की डायरेक्टर है, उनके साथ तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन
आलिया का जो पूरा काम जो है, उनका स्टोरी टेलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं सही परांजपे जी की झलक है, उनके काम की झलक है। तो और जेनेलिया जो है वो उनको, उनका काम मुझे बड़ा पसंद है। मानव कौल मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं, तो बहुत बहुत ही आनंद है। इसके अलावा हम जब बात करें आपकी एक्टिंग की, मैं बात करूं पर्सनली सत्यप्रेम का, एक आपको रोल दिया था गुजराती डैड, इतनी अच्छे से आपने वो रोल किया। मैं स्पेशली, मुझे ऐसा लगता था गुजराती डैड ही अपने सन को, जिस तरह कार्तिक को आप जब प्यार करते हो, जब जो भी इमोशन है, एकदम ऑन पॉइंट लग रहा था। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी रोल, ये रोल के और सत्यप्रेम का? तो जैसे उसमें सत्यप्रेम में हमारी एक एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते की एक वर्कशॉप हुई जूम पर, जय भाई यहाँ पर अहमदाबाद में हैं, गुजराती के थिएटर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, उनके साथ हुई और कुछ और लोगों के साथ भी मैं, जो गुजराती भाषा के विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात की। और मैं साउथ राजस्थान से हूँ जो गुजरात बॉर्डर पर है, तो हमारे गांव में और उस तरफ गुजराती का की पहुँच है, गुजराती मैं समझ लेता हूँ, गुजराती सिनेमा देखता हूँ, तो वो उस लिहाज से प्रिपरेशन हो गई। और इसके अंदर मेरा गेस्ट अपीयरेंस है जैसा कि आप जानते हैं, और एक काउ बेल्ट का एक कैरेक्टर है श्रीवास्तव, और मेरे ज़्यादातर जो सीन है वो मानव के साथ हैं, और लिखा हुआ इतना बढ़िया है, जो डायलॉग्स इतने मज़ेदार हैं, तो वो करने में मज़ा है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो पेच नहीं था बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।